दोस्तों क्रिकेट के खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए वर्ल्ड कप से बढ़िया स्टेज शायद ही कोई होगा। वर्ल्ड कप में किया गया दमदार प्रदर्शन क्रिकेट फैन और खुद खिलाड़ियों को सालों साल याद रहता है। वर्ल्ड कप में जमकर चौकों और छक्कों की बारिश होती है, पर इसके साथ ही कुछ गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से महफिल लूट ले जाते हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे भी गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने हर बार इस टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में। अगर आप उन 5 महान गेंदबाजों को देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात तो सही है। नंबर 5 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के यॉर्कर किंग मिचेल स्टार्क। स्टार्क हमेशा वर्ल्ड कप में अपनी रफ्तार भरी गेंदों से जमकर कहर बरपाते हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास के 18 मैचों में कुल 49 विकेट अपने नाम किए हैं। स्टार्क वर्ल्ड कप 2023 की भी जमकर तैयारी कर रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम। एक समय था जब अकरम अपनी स्विंग के दम पर वर्ल्ड क्रिकेट पर एक तरफा राज करते थे। इन्होंने वर्ल्ड कप के 38 मैचों में कुल 55 विकेट चटकाए हैं। नंबर 3 पर आते हैं श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसित मलिंगा। लसित मलिंगा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप के 29 मैचों में कुल 56 विकेट चटकाए हैं। नंबर 2 पर आते हैं स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन। इनके पिटारे में प्रत्येक वो गेंद थी जो क्रिकेट में होती है। मुरली की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। इन्होंने वर्ल्ड कप के 40 मैचों में कुल 68 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप हमारी इस जानकारी से प्रसन्न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैगरा। मैगरा ने अपने करियर में बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी स्विंग और बेहतरीन लाइन एंड से खासा परेशान किया है। इन्होंने वर्ल्ड कप में 39 मैचों में कुल 71 विकेट चटकाए हैं।